सीतापुर वासियों को आज महिला थाने की सौगात मिली है। एडीजी पीयूष मौर्या साहब पहुंचे हुए हैं, आईजी तरुण गाबा जी हैं और सिविल लाइंस जो चौकी हुआ करती थी उसको नए थाने के रूप में आज से शुरुआत कर दी है। सर, जानना चाहेंगे मिशन शक्ति को लेकर सीतापुर जोन में कहाँ है? देखिए, मिशन शक्ति में यद्यपि पूरे जोन में बहुत से कार्य हो रहे हैं पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीतापुर जनपद ने सभी क्षेत्रों में आगे बढ़कर कार्य किए हैं। यहाँ पर जो है महिला पुलिस कर्मियों द्वारा लगभग सभी गांवों में जाकर जो मीटिंग्स करनी थी पंचायत भवनों में, स्कूलों में, महिला महाविद्यालयों में, वो कर ली गई हैं। और पिछले दिनों में हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा ही होगा कि जहाँ कहीं महिला संबंधी अपराधों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, बहुत ही सीमित समय में पुलिस द्वारा उनका अनावरण भी किया गया। और हमारा मकसद सिर्फ अनावरण करने भर से नहीं है बल्कि ये संदेश देने से भी है कि अन्य कोई व्यक्ति उस प्रकार का अपराध कार्य करने की चेष्टा न करे। तो इस प्रकार के जो घटनाएं घटती हैं उनके बारे में, उनके द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में भी इस जो मीटिंग्स के दौरान में हमारे पुलिसकर्मी अन्य लोगों को बताते हैं, और जिससे कि अपराधियों के मन में इस प्रकार के अपराध करने के प्रति डर उत्पन्न हो और असामाजिक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पुलिस कितनी तीव्र गति से कार्य कर सकती है इसके बारे में जनता को जानकारी हो। तो सीतापुर जनपद में बहुत अच्छे से कार्य किया गया। यहाँ कैमरे भी जो हम अलग अलग जनपदों में लगवा रहे हैं उनकी संख्या के मामले में सीतापुर जनपद, मैं समझता हूँ, अभी प्रथम चल रहा है पूरे जोन में। और इनके पुलिस अधीक्षक को मेरे द्वारा विशेष तौर पर कहा गया है कि प्रथम होने का मतलब ये नहीं है कि अब लगाने बंद हो जाएं, उनकी संख्या उसी गति से बढ़ती रहनी चाहिए और भविष्य में भी प्रथम ही रहना चाहिए। सर, बतौर पुलिस अधीक्षक जब सीतापुर में थे और अब आप एडीजी के रूप में आए, क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, बहुत बदलाव देखा है। पहले जो जनशक्ति थी उसकी अपेक्षा अब जनशक्ति कई गुना बढ़ गई है। महिला पुलिस कर्मियों की संख्या जितनी जोन में होती थी उतनी सिर्फ एक ज़िले में, और इतनी ज़्यादा संख्या में महिलाओं के होने की वजह से हम मिशन शक्ति जैसे अभियान बहुत सफलतापूर्वक संचालित कर पा रहे हैं। साथ ही कैमरों की संख्या बढ़ी है, तकनीक का इतना जो है इस्तेमाल जो अब शुरू हो गया है तब इस लेवल का नहीं था। हमारे पास पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियां उपलब्ध है, हमारी सरकार ने जो है पीआरवी व्हीकल्स, पेट्रोलिंग गाड़ियाँ, पिंक बूथ्स, ड्रोन्स, बॉडी वन कैमरे, इन सभी जो उपकरणों को उपलब्ध कराया है जनपद पुलिस के पास। इन उपकरणों के होने की वजह से उसकी ताकत में इजाफा हुआ है और अपराधों में काफ़ी कमी आई है। अपराधों के घटने के पश्चात जिस अवधि में उनका अनावरण होता था उस अवधि में भी काफ़ी कमी आई है। काफ़ी कम समय में हम अनावरण भी करते हैं, रिकवरी भी करते हैं, अपराधियों की गिरफ्तारी भी करते हैं। तो ये जो है चेंज प्रत्येक व्यक्ति को दिखाई दे रहा है और मैं समझता हूँ इसमें आप लोग भी मानते होंगे और सहमत होंगे इस बात से कि हम इस प्रदेश में, हमारे जोन में, इन जनपदों में जो एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड की पुलिसिंग है उसे ला पाने में सफल हुए। बिल्कुल सर, तीसरी आंख से नज़र रखने में सीतापुर जोन का सबसे पहला ज़िला बन चुका है और एडीजी जो है पीयूष मौर्या ने बताया कि सीतापुर अब काफ़ी बदल चुका है क्योंकि वो बतौर पुलिस अधीक्षक सीतापुर में रह चुके हैं। तो जो बदलाव उन्होंने देखा उसका आज उन्होंने एबीपी गंगा से साझा भी किया। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।